नमस्ते दोस्तों, आज है येवला मंडी और येवला मंडी में एक भैया मिले, उनके पास में है सेल के लिए, नहीं सेल के लिए नौकरी घूरी है, तो उनसे जानेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम राकेश सुरेश चौहान। आप कहाँ से भैया? मातरन। अच्छा, मातरन से। तो फिर यहाँ पे घूरी मतलब सेल के लिए लाए क्या? हमने, मेरे दोस्त की घूरी थी। अच्छा ले लिए ऐसा? अच्छा, यहाँ पे अभी सेल के लिए अवेलेबल करके रखी है। अच्छा। तो अपना क्या हॉर्सेस का ये बिजनेस है क्या? यानी खरीदी बिक्री है कर माथेरान में, तो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आते होंगे? टूरिस्ट आते हैं। अच्छा टूरिस्ट आते हैं, उधर हमारा टूरिस्ट का बिजनेस है। अच्छा, तो वहाँ पे आपने कितने घोड़े वगैरह रहते फिर? 460 घोड़े माथेरान में टोटल। नहीं, आपके खुद के पास में? मेरे खुद के पास में 5-6 घोड़े। अच्छा, छोटे तक के। अच्छा, सब वो टूरिस्ट के हिसाब से। तो अभी टूरिस्ट के हिसाब से 5 है। नहीं तो अभी जैसा अभी कोरोना के वजह से चल रहा है क्या? अभी चल रहा है। अभी ठीक ठाक थोड़ी सी अभी आ रहा है। ठीक है, ये घोड़ी के बारे में बताओ, इसकी क्या उम्र वगैरह है? ये उम्र इसकी है, हाँ 3.5 साल की उम्र है। अच्छा, यानी 4 दांत पूरी हो गई क्या? अभी 4 दांत हो गए ना, 3.5 साल में हो जाती है। और बाल भौरी वगैरह? बाल भौरी भी क्लियर है। अच्छा, थोड़ी स्पॉटलेस है, नॉर्मल स्पॉट है, कोई कहीं फुलकारी महंगी थोड़ी सी है ना। और उम्र 3.5 साल बोलिए, हाइट कितनी आएंगी इसकी? 59 पक्की। पक्का तो कुछ बढ़ने के चांसेस रहेंगे क्या? थोड़ी बार बढ़ेगी, 60 हो जाएंगे है ना। तो ये अभी राइडिंग के हिसाब से या शादी ब्याह में भी चलने वाली? चल रही क्या अभी? रेडी डायरेक्टली है ना? बिल्कुल। ठीक है। तो क्या भैया क्या प्राइस वगैरह लगे अपन इसकी? 1.5 लाख। आस्किंग प्राइस 1.5 लाख बोल रहे हैं सर, उसमें थोड़ा नेगोशिएबल हो जाएंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है। और फुलकारी में आएंगी, थोड़ी नॉर्मल है, बढ़िया घोड़ी, अच्छी शरीर भी बहुत अच्छी है। हाँ शरीर भी बहुत अच्छी। हाँ, और टेम्परामेंट भी काफ़ी कूल है इसका। अच्छा है, और हाथ पैर की भी अच्छी, सूम वगैरह भी बढ़िया है इसका। हाँ बिल्कुल अच्छी एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये मतलब कोई अभी बच्चा वगैरह तो दिया नहीं होगा ना? नहीं। तो प्रेग्नेंट वगैरह भी नहीं ना अभी, यानी फर्स्ट टाइम जो भी रहेंगे वो फर्स्ट टाइम कवरिंग होंगी इसकी। अच्छा ठीक है। ऊपर की भवरी भी ऊपर इसकी एकदम क्लियर है। हाँ ठीक है। और देवमन नहीं शायद? देवमन नहीं है ना। अच्छा, कंटा है शायद और ऊपर के है ना। ठीक है, चलेगा। ठीक, तो अभी इससे अगर कोई कस्टमर को कांटेक्ट करना पड़ेगा तो किससे? आपका नंबर दे देने का क्या भैया से? नंबर लो, मैं मात्रन रहता है। ठीक है, तो उनका किसका नंबर देना पड़ेगा कांटेक्ट नंबर? 888। हाँ 888। 34। हाँ 71। हाँ 07। ठीक है, ओके। तो ये अभी येवला के येवले में रहते हैं उनके दोस्त? सागर के दोस्त। हाँ चलेगा। थोड़ा खोल के देंगे क्या भैया? थोड़ा आवन बाहर निकालेंगे तो अच्छा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। दोस्तों घोड़ी छोड़ के बताया है, चाल वगैरह समझ में आ जाती है घोड़ी के, हाथ पैर वगैरह। बाकी घोड़ी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल फुलकारी की छींटे आएंगी इस पर। और 59 इसकी हाइट बोल रहे भैया ने। 1.5 लाख रुपये इसकी आस्किंग प्राइजेस है, 1,50,000। और बाल भौरी की काफ़ी क्लियर है, देवमन नहीं सिर्फ इसको, बाकी टोटल अंदर जो भवरिया है वो क्लियर है। दासागर वो थोड़ा चालवा नहीं तिला क्या ना, थोड़ा सा ट्रॉटिंग करवा थोड़ा। बस दादा क्या रिटर्न? आता लगाम लावलेले नाही तिला, बसा वा। दोस्तों ये शादी ब्याह में भी चल रही है घड़ी, यानी चालू है शादी ब्याह की भी, और राइडिंग की भी अच्छी है, हाथ पैर की काफ़ी साफ है घोड़ी, कोई दिक्कत नहीं हाथ पैर में। कॉम्पैक्ट, जिसको राइडिंग के हिसाब से चाहिए होंगी ये घोड़ी उनके लिए काफ़ी बेटर रहेंगे, जो फर्स्ट टाइम लेने वाले रहते हैं राइडिंग के लिए चाहिए घोड़ी चाहिए जिसको पर्सनली, वो उन्होंने इसको बिल्कुल ज़रूर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छी घोड़ी है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।